नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे एक बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पेशेंट के माध्यम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलनेस है और ये पेशेंट मैंने लगभग एक साल पहले करीब देखा था। तो हिस्ट्री ये मिली थी हमें कि ये एक लड़के थे, 19-20 साल की उम्र थी इनकी। नाम तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि हम नाम कभी बताते नहीं हैं, पेशेंट्स की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये 19-20 साल के एक लड़के थे जो कि दिल्ली से गए थे महाराष्ट्र में पढ़ाई करने के लिए। तो जो हिस्ट्री मिली थी वो ये मिली थी कि स्टार्टिंग में जब ये गए तो शुरुआत में 15-20 दिन, एक महीने तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद इन्होंने एक बार घर में फ़ोन किया अपने पेरेंट्स को, फादर को, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, बाकी बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं। तो फादर ने पूछा कैसे परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अजीब सी तरीके से देखते हैं मुझे और मुझे देख के कई बार अजीब सा हंसते हैं और मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो फादर ने बताया कि देखो बेटा, नए कॉलेज में गए हो, ये सब होता रहता है, बच्चे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम बाद फिर से फ़ोन आया स्टूडेंट का और जो पेशेंट थे, और उन्होंने बोला कि पापा परेशान कर रहे हैं, रात में कई बार मेरे दरवाजे पे खटखटाते हैं, कई बार अजीब तरीके से आवाज़ें निकालते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं। तो पापा ने फिर समझाया कि आप किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप शांत रहिए, पढ़ाई पे फोकस करिए और ज़्यादा हो तो टीचर से कंप्लेंट कर दीजिए। तो ऐसा 2-3 बार उन्होंने कंप्लेंट की। उसके बाद उन्होंने घर पे ज़्यादा फ़ोन करना बंद कर दिया। कभी कभार फ़ोन करते थे, जब पेरेंट्स भी फ़ोन करते थे तो हूँ हाँ मैं आवाज़ दे बात कर ली, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। और ऐसे चलता रहा, 1-8 महीना बीत गया। घर वालों को लगा कि थोड़ा एडजस्ट हो गया होगा, बिजी है इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा है। लगभग 2-3 महीने बाद फ़ोन आया कॉलेज से, जो उनके हॉस्टल के वार्डन थे उनका फ़ोन आया कि आपके बेटे को कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक नहीं लग रहा है, आप इसको लेके जाइए यहाँ से। तो घर वाले पहुँचे वहाँ पे, तो जाके उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो हैरान रह गए। अब उसका काफ़ी वेट लॉस हो चुका था, काफ़ी पतला दिख रहा था, ऐसा देख के लग रहा था जैसे कई दिनों से सोया नहीं है, आँखें अजीब सी दिख रही थी, नहाया धोया ठीक से नहीं था, अजीब से गंदे कपड़े पहन रखे थे। तो देख के वो परेशान हो गए। पूछा वो वार्डन से तो पता चला कि कई दिनों से कॉलेज जा ही नहीं रहा था, घर में बैठा रहता है, सॉरी कमरे में बैठा रहता है हॉस्टल के, और ना कॉलेज जा रहा था, हॉस्टल में उसके जो कमरे में रूममेट्स थे एक दो, उनसे बात नहीं करता था, अकेला पढ़ा रहता था, रात में लेट तक जागता रहता था, लैपटॉप पे बैठा रहता था, और अजीब सी हरकतें कर रहा था, कमरे में पर्दे लगा दिए थे, रोशनी नहीं आने दे रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, खाना कम कर दिया था। तो जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो उसके जो हॉस्टल में उसके रूम के जो साथ में लड़के रह रहे थे उन्होंने वार्डन को बताया, तो फिर वार्डन ने फ़ोन किया। तो पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चे को घर पे लेके आ गए, दिल्ली ले आए उसको, हमारे पास लाया गया कुछ दिनों बाद। तो हमने हिस्ट्री ली कि क्या हुआ आपको, तो फिर बच्चे ने बताना शुरू किया कि जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसको ऐसा लगता था कि जो क्लास के बाकी बच्चे हैं वो उसको अजीब तरीके से देख रहे हैं, उसको लगता था कि उसको देख के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। फिर उसने बताया कि बच्चे जितने थे बाकी, उन्होंने एक तरीके से आपस में एक साजिश बनानी शुरू कर दी कि इसको क्लास से फेल करवाना है, जो हमारे पेशेंट हैं उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई कि इसको क्लास में फेल करवाना है। तो हमने पूछा कि ये बात आपको कैसे समझ आई, तो उसने बोला कि वो आपस में बातें करते थे तो मैं समझ गया था कि मेरे बारे में साजिश कर रहे हैं और मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। हमने पूछा ये कैसे पता चला कि आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो उसने बोला कि बस समझ आ गया था कि मेरे बारे में बातें हो रही हैं। तो फिर हमने पूछा कि अच्छा, तो आपने कॉलेज जाना क्यों बंद कर दिया, तो बोला कि वहाँ पे एक एक करके सारे बच्चे मिल गए थे और सब उस साजिश का हिस्सा हो गए थे। तो हमने बोला ये कैसे समझ आया आपको, तो उसने बोला कि बस उनकी आँखों को देख के मैं समझ जाता था कि ये मेरे खिलाफ़ है। फिर हमने पूछा कि भाई अच्छा चलो, स्टूडेंट्स आपके खिलाफ हो गए थे, आपने टीचर्स को क्यों नहीं बताया, तो इस बच्चे ने बोला कि टीचर्स भी मिले हुए थे, टीचर्स भी उसी साजिश का पार्ट थे। हमने बोला कि आपको ये कैसे पता चला, तो उसने बोला कि मैंने एक स्टूडेंट को देखा था एक टीचर से मुस्कुरा के बात करते हुए, तो उस टाइम मैं समझ गया कि ये भी मेरे खिलाफ है। तो हमने बोला कि भाई कोई भी किसी से मुस्कुरा के बात कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कोई साजिश हो रही है। तो ये बोलता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे पक्का पता था कि वो मेरे खिलाफ है। तो मैं कहता हूँ ठीक है। फिर हमने पूछा कि आप अपने जो रूममेट्स थे उनसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो उसने बोला कि ये लोग भी बाद में जाकर उनसे मिल गए थे और इन्होंने मेरे जो लैपटॉप के पासवर्ड थे, मेरा जो अकाउंट के पासवर्ड थे, वो सारे भी हैक कर लिए थे। तो हमने पूछा कि कैसे पता चला आपको, तो बच्चा बोलता है कि मैंने एक बार अकाउंट खोला तो एक बार में खोला नहीं और मैं समझ गया कि अकाउंट हैक्ड है, तो मैंने सारे पासवर्ड चेंज कर दिए। फिर हमें ये भी हिस्ट्री मिली थी कि ये बच्चा अपने आप से अकेले में बड़बड़ाता रहता था,
तो हमने पूछा कि भाई अपने आप से बड़बड़ाते क्यों रहते हो, तो उसने बोला कि मैं बड़बड़ाता नहीं हूँ, मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जो कॉलेज में दो बच्चे ऐसे हैं, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेन मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं, वो दोनों जो बातें करते हैं तो मुझे कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं उनकी। तो हमने पूछा कैसे, वो तुम्हें सामने दिखते भी हैं? तो बोला नहीं दिखते नहीं थे, मैं कमरे में अकेले रहता था, बट मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो हमने पूछा कैसे हो सकता है ऐसा, अगर जो सामने नहीं दिख रहा उसकी आवाज़ें कैसे सुनाई दे रही हैं? तो उसने बोला मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने कुछ माइक्रोफोन या कुछ माइक या कुछ स्पीकर लगा रखे होंगे, बट मुझे उनकी आवाज़ें आती थी। फिर हमने पूछा कि भाई आपने अपने कमरे में पर्दे बड़े बड़े क्यों लगा दिए थे? तो ये बच्चा बोलता है कि वो लोग मेरे पे निगाह रख रहे थे और उन्होंने आसपास के घरों में कैमरे लगा दिए थे और मेरे पे निगाह रखी जा रही थी, इसलिए मैंने ये सारे वो लगा दिए, कर्टेंस लगा दिए, पर्दे लगा दिए। और उसने ये बताया कि नींद ज़्यादा नहीं आ रही है, उसको बहुत टेंशन थी कि वो लोग मरवा देंगे, और इसी टाइम पे पापा मम्मी आके मुझे यहाँ पे ले आए। तो डायग्नोसिस बना स्किज़ोफ्रेनिया का, इस बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और इसमें जो बच्चे को शक हो रहा था कि सब लोग मिल गए हैं, स्कूल के टीचर और स्कूल के स्टूडेंट और रूममेट, इसको डिल्यूजन कहते हैं। डिल्यूजन मतलब एक भ्रम, एक ऐसा गलत बात जो कि इंसान के मन में बैठ जाती है, एक ऐसा विचार जो कि मन में बैठ जाता है, इस पर्टिकुलर डिल्यूजन को बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि सब लोग मिलकर मुझे नुकसान पहुँचाने वाले हैं। और इसमें एक डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी था कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, सब लोग मेरे को देख के ही मुस्कुरा रहे हैं। तो एक तो डिल्यूजन थी इसमें, और दूसरा था हेलुसिनेशन। ये बच्चा जो बोलता है कि मुझे कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो लोग दूर रहते हैं लेकिन मुझे उन दोनों की बातें आवाज़ें साफ साफ आती हैं कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कुछ मरीजों को कुछ दिखाई देती हैं चीज़ें तो उसको हम बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। तो डायग्नोसिस बनाया गया स्किज़ोफ्रेनिया का और उसका इलाज शुरू किया गया। अब इलाज में, इस पर्टिकुलर बीमारी में जब इलाज किया जाता है तो थेरेपी स्टार्टिंग में या थेरेपी उतना काम नहीं करती है। कई मानसिक समस्याओं में थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है, जैसे डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में अक्सर थेरेपी को दवाइयों के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन जो ये बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट मेडिसिन का होता है। तो इस बच्चे को भी मेडिसिन स्टार्ट की गई। अब मेडिसिन स्टार्ट की गई और एक दवाई आती है ओलेंजापिन करके, हमने वो स्टार्ट की। अब समस्या ये है कि 5-6 दिन बाद परिवार वाले वापस आए कि ये तो बहुत ज़्यादा सो रहा है और दिन भर ही सो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये समस्या कई बार आती है कि नींद ज़्यादा आ गई, तो हमने सिंपली दवाई की डोज थोड़ी सी कम कर दी। देखिए, हर व्यक्ति में दवाई की जो डोज होती है वो अलग अलग काम करती है। कई बार मानसिक रोगों के मरीज़ भी परेशान हो जाते हैं और उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है कि ऐसी दवाइयाँ दे दी जाएंगी जिससे दिन भर सोते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दवाई की वजह से नींद ज़्यादा आ रही है तो दवाई की डोज कम कर दीजिए। और हमने भी वही किया, जो हमारी टीम थी, दूसरे डॉक्टर और मैंने मिलकर दवाई की डोज कम कर दी। अब जब दवाई की डोज कम की तो नींद ठीक हो गई, उसने नॉर्मल बाकी दिन में जागना, अपना काम करना, रात में सोना शुरू कर दिया। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दवाई से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, नींद ज़्यादा आना, नींद कम आना, बट आमतौर पर वो डोज चेंज करने से ठीक हो जाता है। मान लीजिए डोज कम करने से वो ठीक ना हुआ होता, फिर भी उसको नींद ज़्यादा आ रही होती, तो हम दवाई बदल देते। कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो दवाई दी गई और कुछ समय बाद ये सारे सिम्टम्स कम होना शुरू हो गए। उसको जो आवाज़ें आती थी वो बंद हो गई, उसको जो लगता था कि लोग उसके खिलाफ़ हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गया। पूरा ख़त्म नहीं हुआ एकदम से, उसको बाद में भी कभी कभी बोलता था कि वहाँ पे कुछ हुआ तो था, अब नहीं लग रहा है बट वहाँ पे शायद कुछ हुआ तो था, पर धीरे धीरे करके वो नॉर्मल लाइफ में बढ़ना शुरू हो गया। कुछ टाइम पहले उनसे फिर से बात हुई थी फ़ोन के माध्यम से ही, और पता चला था कि वो काफ़ी बेहतर हैं, ठीक काम कर रहे हैं। वापस पुणे तो नहीं गए, दिल्ली में ही कहीं पर एडमिशन ले लिया, लेकिन ठीक चल रहे थे। घर वालों की एक शिकायत थी कि उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी भी, लेकिन बाकी चीज़ें मोटा मोटा ठीक हो गई थी। देखिए, यही होता है स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में, एक डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, इंसान का भूख प्यास ये सब खराब होने लगता है, नींद नहीं आती है, अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, लेकिन ये बीमारी आमतौर पर दवाइयों से काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। कई बार देखा गया है कि घर वाले गलती करते हैं, वो इन सब चक्करों में पड़े आते हैं कि कहीं कुछ भूत वूत तो नहीं है, ऊपरी हवा तो नहीं है, और कुछ किसी ने कुछ करा वरा तो नहीं दिया, और वो ले जाते हैं मौलवी के पास, पंडितों के पास, मंदिरों में, और इलाज नहीं करवाते। हमसे कभी कोई पूछता है कि क्या पूजा या कुछ करवाएं, तो हम कभी मना नहीं करते हैं, बोलते हैं भैया पूजा करवाने तो पूजा करवाइए, मौलवी साहब के पास ले आना तो मौलवी साहब के पास ले जाइए, जो करना है वो करिए, लेकिन दवाई के साथ साथ। ये सब चीज़ें दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
अगर आपको मन की शांति मिलती है कि कोई पंडित पूजा कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मन की शांति मिलती है कि मौलवी साहब कुछ वो मंत्र जो भी करते हैं वो कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलाज के साथ, दवाइयों के साथ, एक एक शब्द होता है साइकेट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, DUP, ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, मतलब कितने समय तक बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जितना ज़्यादा समय तक बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता है उतना बीमारी के ठीक होने की संभावना कम होने लगती है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना बीमारी जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है। तो जैसे इस केस में इमीडिएटली ही ट्रीटमेंट ले लिया गया था कुछ हफ्तों कुछ महीनों के केस में, और इसलिए बच्चा रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया। अब इस केस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमने देखा है कि स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट लेते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद या तो पेशेंट खुद से दवाई बंद कर देता है, वो बोलता है कि मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है दवाई बंद कर दूँ, या फिर घर वाले दवाई बंद करवा देते हैं कि दिमाग की दवाइयाँ ज़्यादा लंबी नहीं खानी चाहिए कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, या फिर हर केस में कोई एक समझदार पड़ोसी ज़रूर होता है या कोई समझदार घर वाला रिश्तेदार ज़रूर होता है जो कि अपनी खुद की मेडिकल साइंस लगाता है कि नहीं नहीं दवाई ज़्यादा नहीं खानी दवाई बंद कर दो, और इन चक्करों में आके दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब वो जो पड़ोसी थे और वो जो रिश्तेदार थे उनका तो कुछ नहीं जाता, उन्होंने तो बोल के निकल लिए वो, लेकिन ये जो पेशेंट ठीक हुआ था वो फिर से बीमार हो जाता है। तो हालांकि हमारा ये वाला पेशेंट 5-6 महीने से दवाई खा रहा था लेकिन अभी भी डर रहता है कि कहीं दवाई बंद ना कर दे। स्किज़ोफ्रेनिया में अगर पहली बार दिक्कत हुई है तो आमतौर पर ट्रीटमेंट 1 से 2 साल तक चलना चाहिए, प्रेफरेबली 2 साल तक। कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे वजन बढ़ गया, इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसको दवाई चेंज करके या फिर एक्सरसाइज करके या फिर खाने पे कंट्रोल करके मैनेज किया जाता है। तो ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस प्रकार की बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ होती हैं। हमारे देश में अभी भी कई लोग मानसिक बीमारियों को नहीं समझते हैं, ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर के पास ले जाने की जगह यहाँ वहाँ झाड़ फूँक में अटक जाते हैं लोग, समय बर्बाद करते हैं और बीमारी को ख़राब करते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ समय बर्बाद मत करिए। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसमें जो भी नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उनको लेके जाइए, ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए और ये बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, ज़रूरत है सिर्फ एक सही इलाज की। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाया हूँगा, और हमारा प्रयास ही रहता है कि मानसिक बीमारियों के बारे में और सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जितनी हम इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं उतनी करें, और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।